जयवीर, क्योंकि आप अपोजिशन पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं और अपोजिशन का भी बहुत बड़ा स्टेक है इस डेमोक्रेसी में, सरकार का ये स्टैंड आपको कैसा लगता है बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अपोजिशन? आपने अच्छा टेक्निकल सवाल पूछा सुदेश जी से कि क्या क्या ऐसा मुद्दा है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मर्यादा लांघ दी हो। बात ये नहीं है, बात तकनीकी नहीं है, प्रॉब्लम है सरकार के रवैये में। दो साल से न्यायालय न्यायपालिका से टकराव चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक अहंकारी और एक तानाशाही सरकार है। हर वो संस्था, हर वो न्यायपालिका, हर वो समाज का हिस्सा जो इनकी बोली नहीं बोलता, या तो वो अपनी मर्यादा लांघ रहा है या वो देशद्रोही है। आपने एनजीएसी का सवाल मुद्दा उठाया, इन्होंने कहा टायरनी ऑफ द अनइलेक्टेड श्री अरुण जेटली जी ने, अरे वो खुद भी तो अनइलेक्टेड हैं, वो कहां से इलेक्ट होके आए हैं। फिर उदित राज भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, गुजरात के कोर्ट ने एक रिजर्वेशन पे निर्णय दिया, इन्होंने कहा कि न्यायपालिका एक एक के बाद एक हमारा जो सांसद कानून पास करता है उसको बिन मतलब रद्द कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सहमति नहीं है कि किसको किस चीज का दोषी ठहराना है। मैं अरुण जेटली जी से पूछना चाहता हूं, क्या वो उत्तराखंड का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको हजम नहीं कर पा रहे, क्या इनडायरेक्टली उसका बदला ले रहे हैं? सुब्रमण्यम स्वामी आज कहते हैं रघुग्राम राजन, क्योंकि सीधा हमला है कांग्रेस का आपके ऊपर, जवाब दीजिए इसका। हां जवाब दीजिए, नहीं जवाब दे सकते हैं, सुनिए आपके सवाल का जवाब दे लेते हैं, तत्काल आपके सवाल का जवाब दे दीजिए। उत्तराखंड की टीम से जो अरुण जेटली की कल निकली संसद में, गौरव जी आप जवाब देते हैं, रघुग्राम राजन को शिकागो भेज देना चाहिए। गौरव जी सबसे पहले तो ये है कि जब मैं बोल रहा हूं तो आप मेरे बातों को म्यूट मत करिए, क्योंकि मुझे लगा कि जब जेबी सेरगिल हमारे ऊपर चार्जेस लगा रहे थे जिसका मैं जवाब देने की कोशिश किया तो आपने म्यूट कर दिया। बिल्कुल म्यूट नहीं है, कोई टेक्निकल फॉल्ट रही होगी तो मैं म्यूट अभी की जा रही है, लेकिन आपको मौका दिया गया, जवाब दीजिए। मुझे बहुत दुख होता है इस बात का कि कांग्रेस इसमें भी राजनीति कर रही है, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं इसमें, कांग्रेस को पता होना चाहिए। मैं पूरा कागज लाया हूं, प्रधानमंत्री तत्कालीन 2007 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या बोला था, केजे बालाकृष्णन जो चीफ जस्टिस थे उनसे सीधे टकराव हुआ था और विज्ञान भवन में जो मीटिंग हुई थी चीफ मिनिस्टर और चीफ जस्टिसेस की, उसमें उन्होंने बोला था कि अपने अपने दायरे में रहना चाहिए। केजे बालाकृष्णन ने भी बोला था इसी तरह से डेमोक्रेसी सुधर होगी। जस्टिस कपाड़िया ने बोला है कि जुडिशियरी को अपना ब्रीफ नहीं एक्सिट करना चाहिए, इसमें बीजेपी और कांग्रेस का कहां से आ जाएगा? कांग्रेस तो चलिए ठीक है, सुदेश वर्मा और भी पैनलिस्ट हैं, उनका भी रिएक्शन ले लेता हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा, वरना वो भी कह देंगे कि उनका रिएक्शन नहीं लिया जा रहा इस डिबेट में। सुदीन भदौरिया मैं आपके पास आऊंगा, उसके बाद मेरे साथ जो कानून के तमाम जानकार है उनका भी मैं रुख करूंगा, लेकिन सुदीन भदौरिया क्योंकि आप एक वेटरन पॉलिटिशियन है, आप इन सब, और ये पहली बार कोई टकराव नहीं हो रहा है विधायिका और न्यायपालिका का, इससे पहले भी कई बार चर्चे होते रहे हैं, इस ताजा मामले को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, जब जो सरकार में होता है उसको लगता है कि उसके काम काज में दखल अंदाजी हो रही है। यही भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, जब आपातकाल लगाया गया था, और उससे भी कुछ समय पहले श्री अरुण जेटली जी जब छात्र नेता थे तो इन्होंने भी उस समय तमाम तरह के आह्वान किए थे, जिससे यहाँ तक कि जयप्रकाश नारायण जी ने जब आह्वान किया कि देश की सेनाओं को, देश के तमाम उन फोर्सेस को वो फैसले नहीं मानने चाहिए, वो काम नहीं करना चाहिए जो जनहित में नहीं है, तो ये सब लोग उनके साथ थे। मुझे अवसर प्राप्त है, उस समय मैंने देखा और काम भी किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये केवल एक मौका नहीं है, आप देख लीजिए दो, ये जो अभी कहा गया उत्तरांचल में, इन्होंने चाहे वो हाई कोर्ट का फैसला हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये इन्होंने माना, तो ये खुद इस तरह के मौके देते रहे हैं। अरे ये तो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि हम हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील में जाएं, क्या हमें ये राइट नहीं है? देखिए साहब, देखिए क्या मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, उत्तराखंड का मुद्दा नहीं है, सरकार में होते हैं तब तो आपको लगता है, नहीं 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 नहीं, देखिए मुझे कहने नहीं दीजिए, नहीं तो आप बोल लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपको अब लग रहा है, आप अरुण जेटली जी कह रहे हैं ब्रिक बाय ब्रिक द
ज्यूडिशियल इंस्टीट्यूशंस आर ट्राइंग टू टेक अवे द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर्स, इसका क्या अर्थ है? जब आपने इंदिरा गांधी पर चार्ज लगाया तो सही था, जब कांग्रेस आप पर चार्ज लगा रही तो वो कह रही सही। आप दोनों ही लोगों को अंदर झांकना चाहिए, अंतर्मुखी होकर देखना चाहिए किस तरह से हमारे देश के संविधान के बारे में। और मैं एक चीज ये जरूर कहूंगा कि जस्टिस खन्ना, देखिए जस्टिस खन्ना ने हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उस समय इस तरह के उन्होंने फैसले दिए जिससे हमने अपने लोकतंत्र को, अपने संविधान को अक्षुण रखा। ये दोनों ही लोग जब केंद्र में सत्ता में आ जाते हैं तब इनको जुडिशरी लगता है कि ये हस्तक्षेप करके व्यवस्था को नष्ट कर रही है, तो इसलिए इनको अपना नजरिया उसमें सुधार करना चाहिए और बदलना चाहिए। ठीक है, मेरे साथ दो फॉर्मर जज भी है इस पैनल में और मैं जस्टिस प्रभात चंद्र अग्रवाल में आपका रुख करूंगा। जो ये पूरी बहस हो रही है, जिस तरह से सरकार के एक बड़े मंत्री ने जुडिशरी के ऊपर सवाल उठाया है, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई जुडिशरी सरकार के कामकाज में दखल दे रही है? ऐसा लग तो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में इन दिनों इंटरफेरेंस किया है। सही गलत के जो है वो सही है या गलत है, इसका फैसला तो जो अल्टीमेट भारत का सॉवरेन है या जो अल्टीमेट है संप्रभु है वो कर सकता है। यानी संप्रभु कौन है? जनता, सामान्य जनता। और सामान्य जनता के जो हैं रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पार्लियामेंट में जाते हैं और पार्लियामेंट में जाकर के जो उनका विचार होता है वही सबके ऊपर रहेगा और वही अच्छा। अब जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दिए हैं, उन डायरेक्शंस को अगर यदि वो सही होंगे तो वो पालन भी हो सकते हैं। ठीक है सर, सर मैं माफ कीजिएगा आपसे एक प्रिविलेज ले रहा हूँ, आपको बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन अरुण जेटली ने जो कल कहा, अरुण जेटली जो कह रहे हैं, क्या उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? अरुण जेटली कह रहे हैं कि सरकार के सभी कामों में अदालत का दखल बढ़ गया है और ऐसा होता रहा तो हमारा काम सिर्फ बजट बनाना रह जाएगा। ये सामान्य बात है, कोई असामान्य बात नहीं है, ऐसी बातें बहुत पहले भी कही गई हैं, आगे भी कही जाएंगी। ऐसा ये है और एक त्वरित कमेंट्री है, त्वरित प्रतिक्रिया मात्र है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये देखा जाए तो यानी अरुण जेटली भी बरसों से ही है जो इन्हें ये सीनियर एडवोकेट और यानी एक बहुत कम लोग हैं जो उनके जितना अनुभव रखते होंगे सुप्रीम कोर्ट का, बहुत कम लोग हैं तो उनको इस बात का अनुभव है, उनका कहना अगर है तो उसमें सत्य हो सकता है। यानी ये जो इन दिनों लग रहा है कि हर एक चीज में बजट पारित हो चुका है, अब बजट पारित हो रहा है, अब दूसरा डायरेक्शन आ गया, फ्रॉम वेयर द मनी विल बी कमिंग, लेकिन फ्रॉम वेयर द मनी विल बी कमिंग। ठीक है, जस्टिस सीबी पांडे भी इस वक्त हमारे साथ हैं। जस्टिस सीबी पांडे, क्या आपको भी यही बात लगती है जो जस्टिस अग्रवाल को लगती है या आपका कुछ भी और है? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अलग भी है मेरा। हाँ। इसलिए कि देखिए जो बातें उन्होंने किस भी कंटेक्स्ट में कहा हो जेटली साहब ने, लेकिन बात बहुत बड़ी कह दी, एक बहुत बड़ी बात कह दी। उससे दो बातें निकल के आती हैं, एक बात तो ये निकल के आती है कि उन्होंने एक तरह से उनको जुडिशरी को, खास करके सुप्रीम कोर्ट को, एक तरह से उन्होंने एक धमकी भी दी कि आप ज़्यादा हमारे तरफ आप इंटरफियर मत करिए। और दूसरी बात है कि आखिर में ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स है, बहुत सारे लॉज है, उसका बहुत सारे गवर्नमेंट को काम करना है, गवर्नमेंट करती नहीं है। पहले ये समझना होगा कि जुडिशरी में कौन सारे मैटर जाते हैं। आप भी जब भी फंडामेंटल राइट का, किसी का भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाएगा। दूसरी बात, गवर्नमेंट कानून बना हुआ है, गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है तो उसके इन एक्शन के खिलाफ न्यायालय में जाएंगे लोग। तीसरी बात है, आपने कानून बनाया और अपने ही कानून को नहीं मान रहे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं तो भी जाएंगे लोग। नहीं, लेकिन जस्टिस पांडे एक बहुत बुनियादी सवाल है, फाइट एक्शन जस्टिस पांडे बहुत बुनियादी सवाल है, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं सर, मैं आपसे एक सवाल जोड़ना चाहता हूं, फिर आप अपनी बात पूरी कीजिए। सर जस्टिस पांडे,
जस्टिस पांडे, एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। सवाल यह है कि जब हमारे यहाँ एक व्यवस्था तय कर दी गई जिसमें एक विधायिका का अपना काम है, कार्यपालिका का अपना काम है और न्यायपालिका का अपना काम है, तो उसमें एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र में क्यों घुसे कोई और उसी व्यवस्था को अपना काम क्यों ना करना दिया जाए? जैसा कि जस्टिस अग्रवाल भी कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में कुछ ऐसे फैसले दिए हैं जो कहीं ना कहीं आपत्तिजनक या सवाल उठाने लायक है। आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है, कौन सा हस्तक्षेप कर रहा है? क्या कोई लेजिस्लेटिव फंक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नहीं ये कानून बनाइए? क्या किसी पार्लियामेंट को उनसे कहा कि ये कानून नहीं ये कानून बनाइए? कानून आपने बनाया है उसका पालन नहीं कर रहा है या उसका दुरुपयोग कर रहे हैं या निजी हित के लिए आप उसको कुछ पोलिटिकल रीजन के लिए काम कर रहे हैं, तभी तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर रहा है। अच्छा।